नमस्कार जनता के जाने आप दी इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और देखिए अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से हम जनता का जनादेश कार्यक्रम दिखा रहे हैं, लेकिन आज धनबाद विधानसभा क्षेत्र में है और धनबाद विधानसभा क्षेत्र का ये शहरी क्षेत्र है और शहरी क्षेत्र में अभी यहाँ उपस्थित है और देखिए समाज के अंतिम पायदान तक बैठे हुए व्यक्ति से राय लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और यही तय करते हैं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। तो कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास लिए चलते हैं। क्या करते हैं? सब्जी बेचते हैं। हाँ, सब्जी बेचते हैं। अच्छा, नाम बताइए। महेंद्र। अच्छा, तो महेंद्र जी 5 साल में काम हुआ है? हाँ हुआ हुआ है। हाँ, अब की प्रतिनिधित्व किन्हें दीजिएगा? वही का दिया जाएगा मोदी सरकार के। का है मतलब क्यों राज्य में परिवर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए? कारण सब की है। वोट देती है? हाँ, देते वोट देते हैं। तो इस क्षेत्र में काम हुआ है? हाँ, काम हुआ है। अब चुनाव नजदीक है तो कितना नंबर दीजिएगा जो है उन्हें? देखिए हम लोग उतना पढ़ा लिखा नहीं है, जोन में बुझाता है जोन में दे देते हैं वोट। ऐसे ही वोट दे देती हैं जो उनमें बुझाता है। ठीक है, काम हुआ है इस क्षेत्र के लिए, क्या क्या काम बाकी रह गया? धीरे सब काम हो रहा है और हम चूंकि समाज में अंतिम पायदान तक बैठे हुए व्यक्ति का अधिकार होता है, समान अधिकार होता है, तो यहाँ पर एक और व्यक्ति हैं। वोट देते हैं भैया आप भी? देते हैं वोट? ये नहीं है, आपका वोटर लिस्ट में नामे नहीं है। चलिए, तो इनका वोटर लिस्ट में नामे नहीं है, आप देते हैं? इधर आइए थोड़ा, नाम बताइए। राम केशर प्रसाद। अच्छा, तो काम हुआ है इस विधानसभा क्षेत्र में? अभी हुआ है, आधा बाकी भी है। क्या क्या काम बाकी है? अभी बहुत रोड उड सब तो बन ही लगे बाकी है इधर। यहाँ के विधायक जी काम किए हैं? यहाँ के विधायक जी कहाँ काम कर रहे हैं, कभी नहीं कर रहे हैं, ना करेंगे। नहीं नहीं, क्या करेगा, ऐसे कुछ तो नहीं किया। अभी से भी वृद्धा पेंशन तक के नहीं मिलता है, न करता है बूढ़ा पुरानिया के, इनका साल भर सती हो। नहीं तो सरकार नहीं दे रही है। नहीं तो सरकार कहाँ कर रहा है, कहाँ? अभी नौजुवक लोग पढ़ लिख के ऐसे रोड में मारल चल रहा है, सब नौकरी देगा पढ़ा लिखा के तब ही ना होगा विकास। हम लोग तो अनपढ़ है, तो अब इस बार सरकार बदल दीजिएगा का? अब सरकार बदलेगा कि क्या होगा तो अब उसी समय ना देखा जाएगा। तो ये जनता जनार्दन है और अभी का समय होता है जब ये जनता तय करती है कि हमें किन्हें अपना प्रतिनिधित्व देना है, किन्हें चुनना है। हालांकि बड़े दुखी है बेचारे कि कोई काम नहीं हुआ है, वृद्धा पेंशन नहीं बना है, युवाओं को नौकरी नहीं मिली है, तो और भी कई लोग हैं जिनसे भी नहीं मिला है। लकवा के बारे में लकवा मार दिया हम, लकवा मार। हाँ हाँ, बचपना में मैंने इलाज भी नहीं, इलाज की सुविधा नहीं। हाँ, चलिए ठीक है, और भी कई लोग हैं उनके पास भी लिए चलते हैं, चूंकि अभी धनबाद विधानसभा क्षेत्र के जनता के बीच हैं। चलिए, महिला सकती हैं, धनबाद की हैं आप जी, वोट देती हैं? हाँ हाँ, तो इस बार कितना काम हुआ? अब तो चुनाव नजदीक है तो क्या कहेंगे आप? क्या कह सकते हैं, कितना काम हुआ है और क्या बाकी रह गया है? हमको तो नहीं पता है ना मैडम। नहीं पता है? अच्छा, तो वोट देती हैं, कुछ सोच समझ के देती हैं ना कि हाँ हमारे लिए ये काम होगा, तो इस बार उम्मीद क्या रख रही? क्या उम्मीद रखें, जो पेंशन मिल रहा था हम लोग का विधवा पेंशन भी बंद हो गया है। वो भी बंद हो गया? हाँ, कहाँ मिल रहा 3 महीना 4। सरकार तो कह रही है कि हम बहुत काम किए हैं, ऐसे मैया सम्मान और मैया सम्मान जिसको मिल रहा है उसको मिल रहा है, हम लोग का जो विधवा पेंशन मिल रहा था, पति नहीं है हस्बैंड नहीं है तो मिलता ना, वो भी बंद हो गया। अच्छा, धनबाद विधानसभा क्षेत्र में कौन विधायक है अभी पता है? चलिए, वोट देती हैं, लेकिन कई सारे काम जो हैं वो नहीं हुए हैं, अभी भी कई काम बाकी हैं। कई काम क्या दुखी है कि इन्हें जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो कई और लोग हैं उनके पास लिए चलते हैं। हालांकि ये धनबाद विधानसभा क्षेत्र पड़ता है, कितना कार्य हो पाया है ऑल ओवर अगर देखती हैं, चूंकि ये कतरास विधानसभा क्षेत्र में पड़ती है, लेकिन ऑल ओवर कितना राज्य सरकार को क्या कहेंगे, कितना काम हो, मतलब क्या काम नहीं हो पाए? देखिए बहुत कुछ नहीं होता है, सिर्फ अभी अपर लॉयर को देखा जाता है, मिडिल को तो देखा ही नहीं जाता है। सिर्फ अपना का बोल रहे हैं, जैसे एजुकेशन के मामला में कि वहाँ पे बच्चे लोग को छोटा से ही बाहर भेजना पड़ जाता है, जैसे मेडिकल का सुविधा नहीं है, कार्य तो बहुत कम हुआ है उस क्षेत्र में।
परिवर्तन तो जरूरी है। क्या परिवर्तन तो जरूरी है? परिवर्तन जरूरी। चलिए मुस्कुरा रही हैं, इन्हें तय करना है ये अपना समर्थन किन्हें देंगी, अपना वोट किन्हें देंगी, ये तो इन्हीं को तय करना है। लेकिन यहाँ पर कई लोग हैं, बाजार है और ये धनबाद विधानसभा क्षेत्र के का मार्केट एरिया है और ऐसे में लिए चलते हैं। कई प्रबुद्ध जन भी यहाँ पर देखे जा रहे हैं, तो सबसे पहले इनके पास, एक्सक्यूज मी सर, वोटर तो आप होंगे ही, धनबाद विधानसभा क्षेत्र के ही हैं जी। कितना कार्य हुआ है सर और कितना बाकी? नहीं, वैसा कोई खास नहीं हो रहा है। हाँ। ना जिस ढंग से होना चाहिए परिवर्तन ऐसा नहीं है। ऑल ओवर स्टेट गवर्नमेंट को किस रूप में देखा आपने पिछले 5 वर्ष? अभी तो ऐसा है कि हम लोग जो जहां हम लोग जिस जगह पे वैसा कोई बदलाव नहीं आता। लोग बोलते हैं कि ये होगा वो होगा, लेकिन होता नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि सुरक्षित, हर इंसान सुरक्षित रहे। हमारे यहाँ देखिए हर दिन मर्डर हो रहा, कुछ दिन उधर गोली चल जाता, सबको भय हो जाता। लड़कियाँ लोग निकलती हैं, उन लोग भी भय हो जाता है। हमारा कहना है कि सब बढ़िया से रहे और आगे की ओर बढ़े। ऐसा नहीं होता है, राजनीतिक दल सभी अपने अपने वादे दावे करती हैं, लेकिन बहुत कुछ बदलाव नहीं देखने को मिलता है। थोड़ा असंतोष नजर आ रहा है, लेकिन इनकी मांग है कि भय मुक्त वातावरण जो है वो रहे। और ऐसे में कई लोग यहाँ पर दिखेंगे जिनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं, हालांकि सभी की अपनी अपनी व्यस्तता है। धनबाद से ही है कि बाहर से हैं? बाहर से हैं। चलिए, ये धनबाद से नहीं है, बाहर से हैं। और भी कई लोग जो धनबाद से होंगे, हालांकि पब्लिक है, कुछ नहीं भी बोलना कुछ लोग जो हैं वो बोलना नहीं चाहते हैं। इधर इधर देखिएगा, थोड़ा चाय का चुस्की लेते हुए बात भी हो जाए। वोटर है कि नहीं, वोट देते हैं कि नहीं, यहाँ के नहीं है? चलिए, ये यहाँ के नहीं है, लेकिन जो यहाँ के हैं उनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। किस विधानसभा क्षेत्र से? हम धनबाद से हैं। कितना कार्य हो पाया है, कितना काम? काम तो ठीक ही हो पाया है, राजसेना तो ठीक ही कर पाया है। अभी तक तो जो काम हुआ है वो सही हुआ है। ऑल ओवर राज्य सरकार के 5 वर्षों के कार्यकाल को किस रूप में देख रहे हैं? हम तो देख रहे हैं कि अभी हमारे मोदी साहब का अच्छे काम हो रहा है। यहाँ राज्य सरकार, राज्य में तो दूसरी सरकार है, इसका तो कोई काम नहीं हुआ। 1947 से जब तक देश आजाद हुआ तब तक तो कोई काम नहीं हुआ। धनबाद राज्य सरकार कोई काम नहीं हुआ, अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं, समझे ना। ये यहाँ विधानसभा क्षेत्र की ही जनता है, लेकिन थोड़ी सी जानकारी जो है वो अभाव दिख रहा है। लिए चलते हैं, चूंकि इनके पास कई लोग आते हैं जाते हैं, सैकड़ों लोग दिन भर में आते जाते होंगे, चुनावी माहौल है, लोग चाय के चुस्के के साथ साथ बातें भी करते होंगे, तो क्या आप देख पा रहे हैं? देख पा रहे हैं, जो स्थिति थी आज से 40 साल पहले वो स्थिति में पुराना बाजार का देख रहा हूँ। अच्छा। परिवर्तन बिजली में आई है क्या, गिरावट आई है। फ्री जो सरकार दे रही है उसकी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था हम लोग का चौपट हो रहा है। फ्री की समस्या बंद होनी चाहिए, सीधी सी बात। फ्री का चक्कर में क्या हो रहा है कि कर्मचारी नहीं मिल पा रहे। आप बोलते हैं 12 साल 14 साल बच्चे को हम पढ़ाएंगे, कहाँ हो रहा? विकास क्या हो रहा? वो भ्रष्टाचार हो रहा, खाई में लोग जा रहे हैं। अच्छा, ये 5 साल में कितना काम हो पाया है? कुछ काम नहीं हो पाया यार, हम बिजली के अंधेरे में जा रहे हैं 5 साल में। जो विकास हम बोल रहे हैं, रोड वगैरह चौड़ीकरण हुए 25% मेरे को देखने। ऑल ओवर स्टेट की अगर राज्य सरकार की बात कर ली जाए कि राज्य सरकार ने कितना कार्य किया है 5 सालों में, वो तो मेरे को दिख रहा सिर्फ हाईवे दिख रहा, वो फास्ट दिख रहा, गाड़ी का व्यवस्था में दिख रहा, बाकी जनता का व्यवस्था नहीं दिख रहा। धनबाद विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसा कार्य नहीं हुआ जो होना चाहिए। आज स्टील गेट से लेकर धनसार तक अवस्था बहुत खराब है, मैं सीधी बात बता रहा हूँ। और जो मैं बताया, 3 चीज मुद्दा बताया, मेडिसिन एक, शिक्षा, 2 चीज ज्यादा भ्रष्टाचार है। ये 2 चीज होना चाहिए, वो नहीं हो रहा बिल्कुल। तो शिक्षा देखिए, मुख्य जो मूलभूत सुविधाओं की कमी अभी भी है वर्तमान में, जो कि इन्होंने बताया है, और रोड की स्थिति, सड़क की स्थिति आप सबके सामने है, देख सकते हैं कि क्या स्थितियां हैं। बिजली की इन्होंने वही बातें कही, शिक्षा भी होना चाहिए, कनेक्टिविटी के बाद आज जो है जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के उन्होंने कही थी कि कनेक्टिविटी पर जोर दिया जाएगा। हालांकि शराब भी यहीं से हैं, इसी विधानसभा क्षेत्र से। किस रूप में देख रहे हैं 5 साल के कार्यकाल? कार्यकाल नहीं के बराबर हुआ है, जो विकास होना चाहिए वो विकास हुआ नहीं है। और अभी के जो वर्तमान निवर्तमान सांसद हैं उनसे हम चाहते हैं कि विकास में को गति प्रदान करें। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट कैसा काम की है राज्य सरकार 5 वर्ष? नहीं, विकास नहीं के बराबर किया है।
नहीं, विकास नहीं हुआ। ये देखिए इस तरह का व्यवस्था देखिए, आज शिक्षा जो है फ्री होना चाहिए, स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, ये दो चीज़ फ्री, बाकी किसी कोई चीज़ फ्री नहीं होना चाहिए। जो ये राशन दे रहा है, पैसा दे रहा है, ये सब गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए। आप शिक्षा फ्री दीजिए, स्वास्थ्य फ्री दीजिए, बाकी चीज़ में पैसा फ्रीजिए। मतलब जो महिला सम्मान योजना और ये सब जो है, ये सब नहीं, सब गलत है, ये सब होना ही नहीं चाहिए। ये बेरोजगारी को बढ़ावा देना हुआ। ये जनार्दन ही तय करती है कि अगला प्रतिनिधित्व किसका होगा। फिलहाल हम इस धनबाद विधानसभा क्षेत्र में हैं, लेकिन पूरे ऑल ओवर कि अगर 5 सालों के कार्यकाल की बात की जाए तो कैसा कार्य रहा है, ये हम आगे जानेंगे। लेकिन फिलहाल इस कार्यक्रम में लेते हैं छोटा सा ब्रेक। बाद पुनः जनता के जनादेश कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और धनबाद विधानसभा क्षेत्र में अभी उपस्थित हैं। और देखिए 5 साल तो बीत गए, 5 साल बाद फिर से जनप्रतिनिधि, अलग अलग दल से जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के बीच पहुंचते हैं और जनता की उम्मीदों पर वो कितना खरा उतरते हैं। हमारे साथ जनता जनार्दन ही है, जनता की ही प्रतिक्रिया जान रहे हैं। आप धनबाद से ही हैं? जी हाँ। अच्छा, धनबाद में कितना काम हुआ है 5 साल? 5 साल में कहाँ कुछ कोई काम हुआ है, कोई भी तो कोई विकास तो हुआ नहीं है, कहाँ कुछ अभी तक हुआ है। इस बार क्या उम्मीद रखते हैं, कौन कौन से काम होने चाहिए? देखिए अभी सब तो बोल रहा है कि हम लोग काम करेंगे, अब अगला क्या करता है देखिए बनने के बाद। अच्छा, पूरा 5 साल के सरकार के कार्यकाल को किस रूप में देख रहे हैं? सब तो ठीक ही था, काम में कोई कहीं रुकावट नहीं था, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। चलिए, काम कुछ नहीं हुआ, लेकिन इस बार फिर से उम्मीद जताएंगे, फिर से वोट देंगे, फिर से अपने बहुमूल्य मत प्रदान करेंगे इस उम्मीद से कि इस बार काम होगा। चलिए, आप भी मतदाता ही है ना? जी, वोट देते हैं जी। 5 साल में कितना विकास हुआ है इस क्षेत्र का? अरे कुछ विकास नहीं, विकास क्या, और सब तोड़फोड़ हो गया, विकास क्या होगा ही है। हम लोग तो दुकानदार के रोड पर ला के छोड़ दिया कि बाल बच्चा भूख मरे, तुम लोग भीख मांग के खाओ। चलिए, तो इनके फूल की दुकान है और यहाँ से वहाँ मुझे लगता है कि फूल की दुकानें हैं, डेली फूलों को लगाते हैं और हर बार उम्मीद रहती है कि अगला बार इन्हें दुकान जो है आवंटित कर दिया जाएगा, ये भरोसा दिया गया होगा ना? अरे दिया गया है तो दिया गया होगा, छोड़िए अगर दे देंगे तब तो जाने। अच्छा, अब 5 साल राज्य सरकार के काम को किस रूप में देख रहे हैं, कितना काम हुआ? कुछ नहीं काम हुआ, कोई काम नहीं, हमको यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या काम हुआ और नहीं हुआ, तो हमको सब चल रहा है कि वही हो रहा है। इस बार क्या उम्मीद रखते हैं? उम्मीद यही रखते हैं कि अब बस उनका आगे ध्यान क्या होगा, गरीब आदमी को क्या संरक्षण देंगे, नहीं देंगे, या गरीब आदमी को हटा देंगे कि नहीं हटाएंगे, वो लोग जाने। गरीब को हटाएंगे कि गरीबी को हटाएंगे ये नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन इस उम्मीद से फिर से अपने मत का प्रयोग करेंगे कि इनकी समस्याएं जो हैं वो समस्याओं का समाधान हो सके। सीनियर सिटीजन है समाज के। अच्छा, वोट देते हैं आप? हाँ, हाँ। कितना साल हुआ है आपका, कितने साल के हैं? 100 से लगभग 100 साल के हो गए। चलिए, 100 साल के व्यक्ति हमारे दर्शक देख रहे होंगे, 100 साल का अनुभव, धनबाद को कितना बदला हुआ देख रहे हैं इस विधानसभा क्षेत्र। समय गांधी जी जिंदे थे, गांधी जी जिंदा थे। भैया वोट देते हैं, आप भी मतदाता हैं, कितना विकास हो पाया? विकास तो समझ में नहीं आया हम लोग, देखिए अब क्या बोले हम। कुछ तो उम्मीदें होंगी ना कि ये काम होगा, इस बार हम वोट देंगे तो हमारा ये काम। वोट तो हर बार देते हैं, अब काम होता है नहीं है तो क्या बोलिएगा हम लोग का। हम ही लोग का बना के दे दे तो बढ़िया है, हम लोग का भी तो कहाँ बन के मिला अभी। उम्मीदें हैं कि दुकान इन्हें मिल जाए, दुकान का आवंटन हो जाए। कुछ युवा हैं, वोटर हैं कि नहीं? वोटर नहीं है। अच्छा, कुछ लोग बिहार से हैं, लेकिन आगे भी लिए चलते हैं, कुछ जनता जनार्दन से जानते हैं कि यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र में कितना काम हुआ है और यही सिर्फ नहीं पूरे राज्य में कितना काम हो पाया है, क्योंकि 5 साल पहले जो वादे करके जो आई थी वो कितना वादों को पूरा की है ये भी हम जानने के। और ये देखिए बेवफा लिट्टी वाला, यानी कि नाम ही देखने से आपको लगेगा कि ये बेवफा लिट्टी वाला, नीचे भी लिखा हुआ है, जरा उसे भी ध्यान दीजिएगा कि प्यार में खैले बानी धोखा और बेचा तानी लिट्टी चोखा। इन्हीं से जानते हैं, चुनाव का समय है और इस चुनावी समय में हम जनता के बीच हैं कि इस लोकतंत्र का महापर्व है, जनता किन्हें चुनेंगी, लेकिन फिलहाल हम इसका मतलब जान लेते हैं कि अच्छा आप ही हैं, धोखा खाए हुए हैं? जी 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 जी। अच्छा,
ये लिट्टी बेचना क्यों शुरू कर दिए? बस मतलब एक मेरा दिमाग में थिंकिंग घुसा कि अब हमसे कोई काम नहीं हो पा रहा तो चलो लिट्टी चोखा बेचा जाए। अच्छा, अगर जो धोखा दी है वो है कहीं से? देख रहे हैं उनका शादी भी हो गया, लड़का बच्चा भी है। 2001 में हमारा शादी हुआ, उससे पहले का ये बात था। मतलब आपका भी शादी हो गया है? हाँ, शादी भी हो गया, 3 बच्चे भी हैं। अच्छा अच्छा, तो मतलब प्यार में धोखा भी खाए, शादी भी कर लिए, खुश भी हैं? खुश भी हैं, कहीं भी है खुश है ना। हम इस बात से खुशी है कि वो फैमिली मेंबर कहीं भी गई अच्छी सी है, बस उसके लिए ठीक है। चलिए ठीक है, चुनाव का समय है, धनबाद विधानसभा क्षेत्र में कितना विकास हुआ है? देखिए धनबाद विकास का तो देखा जाए तो जैसे हम अपने विचार से बता रहे हैं, अपने फुटपाथ दुकानदार लोग का, कि हम लोग के लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ। जहाँ तक हम लोग ऊपर से नीचे गिरे, पहले हम लोग का दुकान बना हुआ था, अब उसको तोड़ के हम लोग को रोड पे ला दिया गया है। ठीक, और कुछ प्रशासनिक प्रॉब्लम भी हम लोग के साथ आता है जिसके वजह से ठेला हम लोग नहीं लगा पाते हैं। अगर ठेला लगाते हैं तो प्रशासन अलग तंग करता है कि ठेला ले जाएंगे, ये है वो है, मतलब परेशानी बहुत तरह का है, किसी तरह का विकास नहीं हुआ है। इससे पहले जो भी विधायक थे उनको भी हम लोग बहुत बार जाके मिले, नाम नहीं बोलना चाह रहे, जो हमारे विधायक थे उनसे भी हम लोग चर्चा किए, 4-5 बार गए तो विधायक जी बोले कि हम अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, जो आप लोग कोर्ट जाइए, और उस वजह से हम लोग का किसी तरह का विकास नहीं हुआ। अच्छा, तो अभी भी विकास की बात जो रहे हैं, उम्मीद रखते हैं कि आने वाले, और वोट भी उसी को देंगे जो अगला विधायक था। फिर से हम लोग उनको देंगे इसलिए वोट कि कभी ना कभी तो उनको। राज्य सरकार, राज्य में कितना काम हो पाया है 5 सालों में? 5 सालों में देखिए उतना तो हमको नॉलेज नहीं है, लेकिन जहाँ तक प्यार व्यार का तो बहुत नॉलेज है। लेकिन विकास के नाम पे देखा जाए तो कुछ भी नहीं हुआ, बस जो है जैसा था आज भी वैसा ही है। कहीं देख लीजिए आपको, अगर साफ सफाई नजर आ रहा हो या किसी भी दुकान का छत देखिए ढंग का है। अच्छा, सब लोग आता होगा आपका दुकान का नाम पढ़ करके, तो आपसे हाल चाल तो पूछता होगा कि हाँ भैया बहुत दुखी है। कुछ आदमी कमेंट करते हैं, कुछ मजाक उड़ाते हैं, कोई अच्छा भी सोचते हैं कि चलो भाई हो सकता है इनके साथ ऐसा घटना घटा है, तो आप सबके साथ तो शेयर नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन अपने पर समझते हैं कि चलो भाई हमसे जो बना हम उसको कर रहे हैं, रोजी रोटी। घर परिवार में गुस्सा नहीं होती है पत्नी? नहीं नहीं, पत्नी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं नहीं, वो शादी से पहले का बात है। हाँ। शादी के बाद तो ऐसा कुछ बात नहीं है। पूरा बिजनेस नाम कर दिए हैं एकदम? हाँ, बिजनेस तो नाम किए हैं, थोड़ा सा एट्रेक्टिव है नाम, ऐसा है बहुत आदमी पढ़ता है तो थोड़ा एक मिनट के लिए सोचता है कि आखिर ऐसा क्या है, तो थोड़ा सा अटपटा तो है नाम। अगर मतलब कस्टमर आते हैं ना? एकदम एकदम एकदम, कस्टमर आते हैं, सिंपैथी मिलता है, सहानुभूति मिलती है, चूंकि बेवफा लिट्टी वाला है, प्यार में खैले बानी धोखा बेचतानी लिट्टी चोखा, और ऐसे में देखिए इनके आसपास भी लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। चलिए बहुत धन्यवाद आपका। तो और भी लोग हैं, वोटर्स हैं, अपना बहुमूल्य मत प्रदान करते हैं इस उम्मीद से कि हमारा विकास होगा, हमारे क्षेत्र का विकास होगा, हमारे बारे में कोई सोचेंगे, है ना, वोट देते हैं ना, तो एक वोट आपका भी उतना ही होता है, जो लोग करोड़पति होते हैं या अरबपति होते हैं उनके वोट का भी उतना ही, कोई एक सामान्य है, वोट एक समान होता है, तो फिर कितना विकास हो पाया? जो लोग कहते हैं नहीं हुआ है धनबाद में, पूरा राज्य सरकार का कैसा काम काज रहा? राज्य सरकार भी कुछ नहीं किए, राज्य सरकार भी तो चोरी है, मर्डर है, छिनतई है, उनके राज में तो यही सब हो रहा है। उसे भी बढ़ावा मिला है, करप्शन को बढ़ावा मिला है, ये भी कहना है इनका, तो देते ही होंगे। इस बार किस उम्मीद को लेकर के वोट देंगे? इस बार उम्मीद के लिए यह वोट देंगे कि हम लोग को थोड़ा सा नहीं बढ़िया से थोड़ा मिल जाए, कारोबार थोड़ा बढ़िया से करें, इसी के लिए। कितना काम हो पाया इस विधानसभा क्षेत्र? काम क्या हो पाया, पहले हम लोग का दुकान था, अब दुकान से अब ठेला पर आ गए, दुकान मिल जाए इस बार? हाँ, मिल। राज्य सरकार के काम को किस रूप में देख रहे हैं? राज्य सरकार तो अभी परेशाने हैं, क्या काम करेगी। चलिए, तो इनका कहना है कि राज्य सरकार तो स्वयं ही परेशान है, काम क्या करेगी। और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम जानेंगे, जनता जनार्दन की राय जानेंगे, जनता की प्रतिक्रिया जानेंगे, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और ऐसे में सबकी हिस्सेदारी होती है, सबकी भागीदारी होती है। तो समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति को जो लोग बात करते हैं कि वहां तक लाभ मिल रहा है, सुविधाएं मिल रही है, तो क्या वाकई में उन्हें लाभ मिल रहा है? जनार्दन बोल रही है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, यहाँ के लोग बोल रहे हैं।
सर क्या लगता है धनबाद को अभी क्या मतलब फिलहाल में कौन कौन सी चीजें हैं जो कि मेनली जरूरी है? सबसे बड़ा तो मैडम रोड की समस्या, यहाँ जाम सबसे ज्यादा होता है। आज तक रोड नहीं बन पाया, 5 साल से सरकार हुई, सभी यही उम्मीद से वोट। फ्लाईओवर है, बाईपास है, इतने बड़े शहर में आज तक बाईपास नहीं है, फ्लाईओवर नहीं। सबसे एजुकेशन के मामले में एजुकेशन मामले में ठीक है, ठीक एजुकेशन के मामले में धनबाद ठीक है। हेल्थ सेक्टर की अगर बात की जाए तो हेल्थ सेक्टर में हेल्थ सेक्टर भी बढ़िया है, कोई ठीक। अच्छा, ऑल ओवर राज्य सरकार के कार्यों को किस रूप में देख रहे हैं? 5 साल सो है मैडम, कोई बढ़िया नहीं। उनकी भी वादा बहुत रही है लंबी चुनाव के पहले, वो भी पूरा नहीं कर पाए। बिल्कुल, तो चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे थे, लेकिन वादे थे, उन वादों का क्या? आगे हम लिए चलते हैं कि कुछ और जनता जनार्दन मिल जाए, क्योंकि पूरे झारखंड से महाकवरेज न्यूज 11 भारत दिखा रहा है, और ऐसे में सभी विधानसभा क्षेत्रों से हम दिखाएंगे कि जनता की उम्मीदें क्या थी और कितना जन प्रतिनिधि खरा उतरे हैं। जनता ने भरोसा तो दिलाया, सत्ता में तो लाई, लेकिन कितना आप उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। ये धनबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता की राय आपने जानी, और ये दिखा रहे थे कि उनकी क्या राय है, और ये जनता का जनादेश में धनबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या कहती है। हालांकि उन्होंने पूरे 5 साल के कार्यकाल पर भी प्रतिक्रिया दी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।